1, 2, 3, start. Go, 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 Govinda. What's up guys, good morning, I hope सब सही है, मस्त है। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी बज रहे 9:30, मतलब बहुत लेट शुरुआत हुई है, जल्दी शुरुआत नहीं हुई है। शुरुआत होते ही मेरा झगड़ा हो गया, वो जो हमारा कचरा लेने आता है ना आदमी, मतलब कचरे वाले अंकल के बेटे से, वो बेसिकली वो मास्क नहीं पहनता। मैंने उसको परसों भी बोला था कि भाई मास्क पहना करो, आज मम्मी ने दरवाज़ा खोला था तो मम्मी ने भी बोला मास्क पहना करो, तो मम्मी को उल्टा बोलता है कि तुम, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कचरे का डब्बा बाहर रखा करो, मेरे को मेरी सांस फूल जाती है, मैं कचरे का डब्बा उठा नहीं पाता हूँ तो मेरे को दम लगता है, तो आपको, मैं भाई देखो सीधी बात है, मेरे से कोई उल्टा सीधा बोले मैं सुन लेता हूँ, लेकिन बात जब मम्मी पे आती है ना भाई, मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं मम्मी से, पापा से, फैमिली मेम्बर से सही से बात करने का, उल्टा सीधा बात करेगा तो मार नहीं खाएगा तू, ये तो भुगतेंगे ना उसको, मर जाएगा तू। मतलब फिर मैं नीचे गया, मैंने उसको बताया कि देखो भाई सही से बात किया करो, तुमको पहले भी बोला है मास्क पहना करो, तो वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे जो अंकल थे वो भी बोले कि भाई मास्क पहना करो, उसने बोला ऐसा ऐसा है ये वो, मैं बोला भाई तू अगर मेरी मम्मी से ऐसे बात करेगा मैं तेरे को पेल दूंगा। फिर वो बोलता है आप मुझे पर्सनली ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसा, मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने बोला भाई ये सब मेरे को मत बता, तेरा प्रॉब्लम है ठीक है मैं समझ सकता है, लेकिन तू अब ना एक हाथ में मोबाइल लेके एक हाथ में कचरे का डब्बा, मतलब क्या चल रहा है। मैं बोला भाई काम है, सही से काम कर, ये तेरा जॉब है, यू ट्रीट इट एज अ जॉब एंड आई विल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट। इफ यू टॉक क्रैप, इफ यू टॉक शिट, इफ यू बैक आंसर, मेरी मम्मी से अगर उल्टा सीधा बात करेगा तो मैं पेल दूंगा, सिंपल बात है। फिर वो नीचे चले गए गुस्से से। तो ऐसे अपने दिन की शुरुआत हो गई है, अभी आगे बढ़ते हैं, दूध पीते हैं और फ्रेश होके मैं आपसे फिर से बात करता हूँ। यार ये दरवाज़ा खुला रखते हैं ना, उसकी वजह से इतनी धूल हो जाती है ना, मतलब जगह जगह देखोगे, अभी सोफ़ा भी एक्चुअली वैसे ब्लैक डार्क ब्राउन है, ये टेबल भी ब्लैक है, तो अभी देखो तुम लोग को पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा मालूम नहीं, लेकिन ये देखो इतनी धूल होती है ना, क्या बताऊँ, मतलब इरिटेट हो जाता हूँ मैं तो। प्रॉब्लम वही है, लैपटॉप में धूल वूल चली गई ना, देखो अगर लैपटॉप में धूल चली गई तो लैपटॉप खराब हो सकता है, और मेरा लैपटॉप ऑलरेडी बेकार हालत में है, तो अभी पहले जरा फट से डस्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। चलो भाई डस्टिंग हो गया, लगे हाथ मैंने झाड़ू भी लगा दिया। एक्चुअली आंटी आती है ये सब काम करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि भाई अपना घर है वो सही से साफ करती नहीं, तो अपन ही अपना झाड़ू वाड़ू कर लेते हैं, वो आएंगी तो वो मतलब पोछा वोछा लगा देंगी, तो अपना घर तो अपने को ही साफ रखना चाहिए ना। अभी चलो बाकी के काम करते हैं। यार मम्मी को मैं रोज बोलता हूँ कि दरवाजा लगाया करो, ओपन मत रखो, मतलब माना कि वेंटिलेशन चाहिए और हवा आती है वो सब, लेकिन इतनी धूल हो जाती है ना कि वो साफ सफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इधर उधर घूम क्यों रहा हूं, एनीवे आगे का काम करते हैं। चलो ये काम भी हो गया, अभी देखते हैं लंच के लिए क्या बन रहा है। ओहो हो साबुदाना खिचड़ी, तुम लोग ने कभी खाई है क्या साबुदाना खिचड़ी? मालूम है कि तुम लोग को क्या है, मतलब
कल शाम को एल क्लासिको है 7:30 बजे, उसके बाद यूनाइटेड चेल्सी भी है, तो मैं वो मैच देखने वाला हूँ। मैच से याद आया, परसों जब रात को मैं चैंपियंस लीग का मैच देख रहा था, तब एक बैट, मतलब प्रॉपर बैट, बैट का बच्चा होता है ना, उसको क्या बोलते मालूम नहीं, वो दरवाजे के वहां पे आके बैठा था। उसका मैंने स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, तब मैं व्लॉग नहीं कर रहा था इसलिए तुम लोग को दिखा नहीं पाया। वो स्टोरी देखो भाई, फट के 4 हो गई थी, वो वहां पे आके बैठा था। देखो स्टोरी देखो। So I was busy watching the Champions League match and there is a baby bat right here. I don't know, I mean what, like seriously? What's up Chintu log? Pikachu! Pikachu, Pikachu nahi re, Naruto, Naruto mask kya, Pikachu mask nahi hai. Naruto, Naruto nahi, Naruto. So guys, abhi main aaya hu niche bike dhone, abhi parso Dasara hai. दशहरा है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा बावदन में और बाइक यहीं पे रहेगी, तो धोने का चांस नहीं मिलेगा इसलिए अभी बाइक धोते हैं। क्या तुम्हारा बोलायचं आहे? यो यो यो, हैप्पी दसरा, हेलो हैप्पी दसरा, हेलो हैप्पी दसरा, हेलो हेलो हैप्पी नवरात्री, हाँ हैप्पी नवरात्री, ठीक है दस, हैप्पी नवरात्री, हाँ एडवांस दसरा, जरा डांस करा तुमचा, तो कुठला आहे तो? हाँ नाही रे, हे ना व्लॉगिंग आहे ना, व्लॉगिंग तुम्ही खरं तर सुरू केलं पाहिजे माहिती का मुलांनी। अपना बाइक धोके हो गया है, अभी ऊपर जाने का टाइम आ गया है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे को मच्छर काटा, तो अभी मुझको वही डर है कि भाई कुछ हो ना जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को डेंगू हो गया था। तो भाई तब से सुबह अगर कोई मच्छर काटा ना तो मेरे को बहुत टेंशन आता है। एनीवे अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, शावर वावर हो गया है। एक्चुअली मेरा एंकल बहुत दर्द कर रहा है, कल प्रैक्टिस करते टाइम मैं जरा गिर गया था, तो उसकी वजह से एंकल थोड़ा सा दर्द कर रहा है। आई होप कुछ सीरियस नहीं है, क्लिप देख लो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो गाइस लंच हो गया है, अभी जैसा मैंने बोला ये अनबॉक्सिंग करने का टाइम आ गया है। गेस कर सकते हो गाइस इसके अंदर क्या है, मतलब देखने से पहले मुझको तो मालूम है इसके अंदर क्या है, लेकिन तुम लोग देखने के से पहले नीचे कमेंट करो क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा। तो गाइज एवेडा स्टूडियो दे हैव सेंट मी दी शॉर्ट्स, वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है। और मतलब आपने देखा मैं LATW डबल अराउंड द वर्ल्ड आराम से कर पा रहा हूँ,
साइज फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइज। आज शाम को मैं जाने वाला हूँ डॉक्टर के पास, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ बावधन मेरे भाई के घर पे, तो बाकी जो काम है वो वहां जाके कंप्लीट करूंगा। और कल का व्लॉग जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल के व्लॉग में आपको मैं एक टिप देने वाला हूँ जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो तुम लोग को मालूम है क्या करना है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।